हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने वाटरिंग प्लांट्स वाला क्वेश्चन डिस्कस करा था। मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूं क्वेश्चन क्या था, और डिटेल में अगर इस क्वेश्चन को आप समझना चाहते हैं मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी मैं आपको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक एरे है, राइट, ये रहा वो एरे जिस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एरे के अंदर फिलहाल जो वैल्यूज हैं वो हैं 2233। क्या हैं ये वैल्यूज? ये वैल्यूज प्लांट्स की वाटरिंग रिक्वायरमेंट को इंडिकेट कर रही है। मतलब मान लीजिए हमारे पास चार गमले हैं, उनमें चार पौधे लगे हुए हैं। पहले पौधे को 2 लीटर पानी चाहिए, दूसरे पौधे को 2 लीटर पानी चाहिए, तीसरे और चौथे को 3-3 लीटर पानी चाहिए। ये हमारे पास नदी है, राइट। इस नदी पे एक बंदा है या हम ही है जिन्हें नदी से पानी भरना है और इन वाटर्स को पानी देना, इन प्लांट्स को पानी देना है, ठीक है। हमारे पास जो कैपेसिटी है वो इस समय इनिशियली दी हुई है क्वेश्चन में 5 की। किसकी कैपेसिटी है ये? ये उस वाटरिंग कैन की कैपेसिटी है जिससे हम पानी लाकर इन पौधों में पानी डालेंगे, इन प्लांट्स में पानी डालेंगे, ठीक है। तो अब चैलेंज ये है कि हमें ये बताना है कि हम कितने स्टेप्स में इन सभी प्लांट्स को वाटर दे पाएंगे। स्टेप्स कैसे गिने जाएंगे? हम अगर नदी से किसी प्लांट की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक स्टेप होगा, अगले प्लांट की तरफ बढ़ते हैं ये एक स्टेप होगा, जब हमारे कैन में पानी कम हो जाएगा वापस नदी की तरफ जाएंगे तो जितना हम जाएंगे एक एक स्टेप गिनते हुए हम उतने स्टेप्स को काउंट करेंगे। ना सिर्फ जाते वक्त स्टेप्स काउंट होंगे बल्कि आते वक्त भी काउंट होंगे। जैसे मान लीजिए मैं सेकंड वाले प्लांट पे हूँ, इस इंडेक्स पे हूँ, अब मुझे मालूम है मैं थर्ड वाले प्लांट को वाटर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी कैपेसिटी पहले वाले प्लांट को वाटर देने के कारण 5-2 3 की रह गई होगी, दूसरे वाले प्लांट को वाटर देने के कारण 3-2 1 की रह गई होगी। तो मेरे पास जो कैन में पानी बचा है वो 1 लीटर है, अगले प्लांट को जो पानी चाहिए वो 3 का चाहिए, तो मैं नहीं दे सकता। तो अब मुझे पीछे आना पड़ेगा। कितना पीछे आना पड़ेगा? 1-2 स्टेप में पीछे आऊंगा, उसके बाद पानी भरूंगा, 1-2 स्टेप में आगे आऊंगा और फिर 1 स्टेप और आगे आऊंगा यहाँ पर पानी फिल करने के लिए। तो कितना हो जाएगा? 2 स्टेप पीछे गए, 3 स्टेप आगे आए, तो हमारे स्टेप्स में जो इंक्रीमेंट हो जाएगा वो सीधे 5 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हमें बताना था ओवरऑल कितने स्टेप्स में हम फाइनली प्लांट को वाटर दे पाएंगे, सभी प्लांट्स को वाटर दे पाएंगे। तो अब अपन इसके सॉल्यूशन को करते हैं इंप्लीमेंट। मैं एक बार फिर याद दिलाऊंगा आपको, इन केस क्वेश्चन समझने में जरा भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाइए देखिए, उस वीडियो में मैंने पूरा क्वेश्चन विद पिक्चर्स आपको समझाया हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक काउंटर लेंगे जो हमारे स्टेप्स को गिनेगा, लेट्स कॉल इट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने स्टार्ट कर दी 0 से। देन हमारे पास एक वेरिएबल होगा आई जो एरे में इंडेक्सिंग का रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब हम अपना लूप इटरेट करते हैं। ये लूप कब तक चलेगा? ये लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक आई के वैल्यू प्लांट्स डॉट लेंथ से छोटी है ना। प्लांट्स डॉट लेंथ हमारे एरे की साइज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। देन हमारे पास ये एक वाटर कैन है, इस कैन को मैं इक्वल टू कर देता हूं कैपेसिटी के, ठीक है। अब अंदर आकर हम लोग चेक करते हैं कि क्या कैन, मतलब वाटर कैन में जो पानी है वो करंट प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है, राइट। अगर वो ज्यादा है, बल्कि ज्यादा या बराबर, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू प्लांट साइज है तो हमें क्या करना है? तो हमें इस कैन में से माइनस कर देना है प्लांट साइज को, कितना पानी हमने प्लांट्स में डाल दिया है, राइट। कैन इज इक्वल्स टू कैन माइनस प्लांट साइज। और एक काम और करना है, क्योंकि हमने एक स्टेप ले लिया है तो हम स्टेप को कर देंगे इंक्रीमेंट, तो ये प्लस प्लस स्टेप हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके। और आई को भी हम लोग कर देंगे प्लस प्लस, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर प्लांट में वाटर डाल दिया है तो अब आई को बढ़ना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब अब आपके पास कैन में जो पानी है वो अब इस समय जो आई रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर प्लांट की रिक्वायरमेंट से कम है, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको जाना होगा नदी तक, वापस से कैन भरना होगा, यानी कैन इक्वल टू कैपेसिटी हो गया, ये आपने कैन भर लिया। अब आप गए और वापस आए तो जितने स्टेप्स पीछे गए उतने ही स्टेप्स आप आगे आएंगे, और प्लस एक स्टेप और होगा पानी डालने के लिए। तो मैंने बोला नंबर ऑफ स्टेप्स, सॉरी यहाँ पे भी हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स इसकी वैल्यू को अपने कर दिया है यहां प्लस प्लस, और यहां भी मैं बोलूंगा नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टेप्स प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। और जो 1+1 एक्स्ट्रा होना है वो तो जब हमारा लूप आगे बढ़ेगा तो प्लस प्लस स्टेप के कारण एक्स्ट्रा हो ही जाएगा,
ठीक है, ये हुआ हमारा। उसके बाद अपन लोग निकलते हैं इस पर्टिकुलर लूप की बॉडी से बाहर, और बाहर आकर हम लोग क्या रिटर्न कर दें, बाहर आकर हम लोग रिटर्न कर दें नंबर ऑफ स्टेप्स। इसको अगर हम रिटर्न कर देंगे, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। अब अपन लोग ट्रेस करते हैं, जैसा हमें पता है अगर ये एरे है 2233 तो हमारे जो नंबर ऑफ स्टेप्स टोटल निकलने चाहिए वो निकलने चाहिए 40। तो फ्रेंड्स अपन इस कोड को ट्रेस करते हैं इस इनपुट सेट पे, ठीक है। इसको मैं NOS बोल रहा हूं, नंबर ऑफ स्टेप्स को, ये हमारा इनिशियली जीरो है और I की वैल्यू भी हमारी इनिशियली जीरो है और कैन भी हमारा इनिशियली 5 है, राइट, क्योंकि कैपेसिटी जो इनपुट में दी गई है वो दी गई है हमें 5। कंडीशन चेक करिए, व्हाइल आई इज लेस देन प्लांट्स डॉट लेंथ, जी हाँ आई की वैल्यू जीरो है, प्लांट्स की लेंथ कितनी है, प्लांट्स की लेंथ 4 है, तो जीरो इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, कोड अंदर गया। चेक करा के कैन में जो वैल्यू है वो प्लांट्स आई के वैल्यू से बड़ी या उसके बराबर है, तो कैन में वैल्यू 5 है, प्लांट्स आई की जो करंट वैल्यू है वो है हमारे पास 2, 5 इज ग्रेटर देन 2, बिल्कुल कोड अंदर गया। कैन में से 2 माइनस करा, यानी 5 में से 2 माइनस करा, तो कैन में पानी रह गया 3 लीटर। प्लस प्लस कर दिया स्टेप्स को तो ये प्लस प्लस होकर 1 हो गया, प्लस प्लस कर दिया आई को तो ये आई भी प्लस प्लस होकर 1 हो गया। अब इफ चलाए तो एल्स वाला पार्ट तो हमारा चलेगा नहीं, कोड वापस इटरेट करेगा, चेक करेगा क्या आई की वैल्यू विच इज 1, plants.length इज 4, इससे कम है, yes, I is less than 4, अंदर गए, second वाले प्लांट की कैपेसिटी से, requirement से, can को चेक करा, can में कितना पानी है, 3 लीटर, plants I की वैल्यू कितनी है, तो plants 1 की वैल्यू इस समय 2, right, 3 is greater than equal to 2, अंदर गए, और can में से plants I माइनस कर दिया, 3 में से 2 माइनस कर दिया, तो can में रह गया 1 लीटर पानी, क्योंकि एक स्टेप आगे बढ़े हैं अपन, तो नंबर ऑफ स्टेप्स को बढ़ाकर अपन ने 2 कर दिया, आई को भी बढ़ाकर अपन ने 2 कर दिया। आप ध्यान दीजिएगा, अब हमारी कैपेसिटी या कैन में जो पानी है वो रिक्वायरमेंट से कम हो जाएगा। अब जब कोड आगे बढ़ेगा और चेक करेगा आई इज लेस देन प्लांट्स डॉट लेंथ, कंडीशन विल बी ट्रू बिकॉज आई की वैल्यू 2 है, प्लांट्स डॉट लेंथ इज 4, अंदर आकर चेक करेंगे क्या कैन में जो वैल्यू है वो प्लांट्स आई से बड़ी या उसके बराबर है, तो ऐसा नहीं है, कैन में जो वैल्यू है वो 1 है और प्लांट्स आई की जो वैल्यू है वो है इस समय 3, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। कोड चला जाएगा एल्स में, राइट, हमने कैन में वापस 5 कर दिया, पानी भर दिया, राइट, और हम कितना पीछे गए, अब आप नोटिस करिए हम लोग हैं कहां पर, हम लोग हैं इस समय यहां पर, राइट, अभी हमने चेक करा तो हमें पता चला कि हमारा जो अगली वैल्यू है उसमें हम पानी नहीं फिल कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 स्टेप्स पीछे आएंगे, 1 और 2 स्टेप्स आगे आएंगे, तो मैंने आई इंटू 2 से स्टेप्स को बढ़ा दिया है, आई की वैल्यू इस समय हमारी जो होगी हम आई इंटू 2 से स्टेप को कर देंगे इंक्रीमेंट, I की वैल्यू बहरहाल हमारी क्या है, I की वैल्यू हमारी इस समय 2 है, ओके okay. तो I को हम यहां दिखा देते हैं, I इस समय हमारा इंडेक्स नंबर 2 पे है, तो अगर हम यहां गए I की वैल्यू, तो नोटिस करिए जो वैल्यू आएगी उतनी आनी है हमारी, I इंटू 2 विल बी 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो हम 2 स्टेप पीछे गए, 2 स्टेप हम आगे आए, 2 इंटू 2 दैट विल गिव अस 4, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए जो करंट वैल्यू है 2 उसमें अपन ने ऐड कर दिया 4, तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। अब आप नोटिस करिए जब लूप हमारा इटरेट होगा क्या अब कैन ग्रेटर देन इक्वल टू प्लांट्स आई है, नोटिस करिएगा एल्स में आई नहीं बढ़ा है, तो आई अभी भी हमारा 2 पे ही है, यस, अब हमारे पास जो कैपेसिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू प्लांट्स आई है, कैपेसिटी हमारे पास 5 है, प्लांट्स आई की वैल्यू इस समय हमारी 3 है, कोड इसके अंदर जाएगा, कैन में से सब्ट्रैक्ट करेगा जितना पानी चाहिए प्लांट को, 3 चाहिए, तो कैन में कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे बढ़कर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, आई की वैल्यू बढ़कर हमारी कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू बढ़कर हमारी 3 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कोड फिर इटरेट करेगा, चेक करेगा 3 लेस देन 4, यस इट इज, चेक करेगा क्या कैन में जो वाटर है वो प्लांट्स आई से बड़ा है, नहीं है, कैन में जो वाटर रिमेनिंग है वो 2 है, प्लांट्स आई की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी 3 है, कोड चला जाएगा फिर एल्स में, नोटिस करिएगा एल्स में आकर कैन को फिल करेगा और नंबर ऑफ स्टेप्स में इंक्रीमेंट कर देगा आई इंटू 2। अब हम कितना पीछे जाएंगे अगर आप चेक करें तो हम 1, 2, 3 स्टेप पीछे जाएंगे क्योंकि -1 पे रिवर और उसके बाद फिर 1, 2, 3 स्टेप्स आगे आएंगे, मतलब कितना 6 स्टेप्स ऐड करेंगे, तो अगर हम इसमें 6 स्टेप्स ऐड करें 7 + 6 तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 13। फिर से लूप हमारा इटरेट हुआ, चेक हुआ आई लेस देन प्लांट्स डॉट लेंथ, आई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, आई अभी भी 3 पे है, नोटिस करिए ये आई की वैल्यू है, तो कोड अंदर जाएगा, चेक करेगा क्या कैन ग्रेटर देन इक्वल टू प्लांट्स आई है, ऑफ कोर्स कैन इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू प्लांट्स आई है, कैन में है 5, प्लांट्स आई की वैल्यू है 3,
उड़ंदर जाएगा कैन में से 5-3 तो कैन में 2 लीटर पानी रह जाएगा। प्लस प्लस नंबर ऑफ स्टेप्स करेंगे तो नोटिस करिए ये हो जाएंगे हमारे 14। प्लस प्लस आई करेंगे तो आई बढ़कर हो जाएगा 4 और आई का 4 होना कंडीशन को कर देगा फॉल्स। लूप से बाहर आकर नंबर ऑफ स्टेप्स को हम लोग कर देंगे रिटर्न। तो फ्रेंड्स इस कोड को अपन रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो एज सून एज आई विल बी रनिंग द कोड इस इनपुट डेटा सेट पे लीड कोड विल ट्राई द एग्जीक्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा एक्सेप्टेड हो गया है, 14 आउटपुट एक्सपेक्टेड था, हमारा भी आउटपुट आ रहा है 14। ओके फ्रेंड्स, सो अपन इसको सबमिट करके देखते हैं। राइट, रन कोड में तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। नाउ लेट अस सी हमें लीड कोड की तरफ से सबमिशन पे क्या मैसेज मिलता है। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट हो गया है। आई होप सॉल्यूशन ट्रेस आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगले वीडियो में मैं इसी से मिलता जुलता आपको एक असाइनमेंट एक चैलेंज दूंगा, ट्राई करिएगा और उम्मीद करता हूं कि आप उस सॉल्यूशन पे या उस असाइनमेंट के सॉल्यूशन पे इजीली